भाई जी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एसी कंप्रेसर। ये है होंडा ही क्रेटा पेट्रोल का, और ये है I20 पेट्रोल। ठीक है, इसमें क्या है कि ये दोनों कंप्रेसर ख़राब हो चुके हैं। इस सीज़न में हमने कम से कम जो है 8 से 10 कंप्रेसर जो है 3 महीने के अंदर में 8 से 10 कंप्रेसर हमने चेंज किए हैं। और चेंज हम तब करते हैं जब वो अंदर से ख़राब हो चुका होता है। अगर अंदर से ठीक रहता है तो हम चेंज नहीं करते। देखो, सबको पता है कि कंप्रेसर सस्ती आइटम नहीं है। कम से कम कोई भी एक कंप्रेसर नॉर्मल यही लगा लो 12-13 हज़ार रुपये से लेके इसकी 16-17 हज़ार रुपये तक की कीमत होती है, मतलब एरिया के हिसाब से। ठीक है, और ये वाला भी है, इसका भी कम से कम 15-16 हज़ार रुपये से लेके ऊपर जो है 20-22 हज़ार रुपये तक की कीमत होती है। तो ये कस्टमर की जेब पे बहुत बड़ा बोझ पड़ता है जब हम चेंज करते हैं। और खाली कंप्रेसर भी नहीं चेंज करते, उसके साथ में कंडेंसर भी साथ में चेंज करने की सलाह देते हैं। अगर नहीं कराते हैं तो वो फिर उसकी जो है सर्विस वगैरह ढंग से की जाती है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन देखो, कंप्रेसर हम चेंज क्यों करते हैं, इसलिए कि भी ख़राब हो जाता तो चेंज कर दिया। लेकिन ये ख़राब होता क्यों है, ये कभी आपने मतलब किसी भी मैकेनिक ने आपको नहीं बताया होगा कि भाई ख़राब कंप्रेसर किस वजह से हो जाते हैं। होता क्या है कि इसके अंदर ये पार्टीशन होता है, आधा पार्टीशन ये वाला और आधा पार्टीशन ये वाला। इसमें भी यही लगा लो, आधा पार्टीशन ये वाला, आधा पार्टीशन ये वाला। जो पीछे वाला पार्टीशन है ये आता है गैस को सर्कुलर करने के काम, जिससे मतलब कूलिंग बनती है। ठीक है, साधारण तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें कूलिंग बनती है वो वाला पार्टीशन है ये वाला। ये बीच वाला है पिस्टन एरिया, यहाँ से पिस्टन जो है ऐसे 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 मूवमेंट करते हैं, तब जो है हाई प्रेशर निकल के यहाँ से कंडेंसर में जाता है। तो देखो होता क्या है, ये जो पार्टीशन है इस पार्टीशन के अंदर आगे शाफ्ट लगी होती है, जिस शाफ्ट के कनेक्ट में आते हैं पिस्टन, जो पिस्टन चलाने के काम आती है। तो वो शाफ्ट जो है वो कभी भी सूखे एरिया में नहीं चलती, उसके अंदर लिक्विड होता है कंप्रेसर ऑयल। जो ये वाला बोल्ट आप देख रहे हो, इस बोल्ट के यहाँ से खोलने से वो कंप्रेसर ऑयल ड्रेन हो जाता है। फिर उसके अंदर एक बार दोबारा डालो कंप्रेसर ऑयल, ज़्यादा नहीं डलता, 50 ग्राम के आसपास ही शायद डलता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा किसी में थोड़ा कम। देखो इसमें भी बोल्ट लगा हुआ है। तो ये अगर कंप्रेसर ऑयल आप एक बार डालोगे फिर निकालोगे, ड्रॉप ड्रॉप करके निकलेगा, फिर फ्रेश करके फिर दोबारा से मतलब प्रेस करके उसमें ऑयल डाल दो, बोल्ट लगा दो, फिर इसके अंदर जो है गाड़ी के अंदर फिट कर दो इसको। तो ये इसकी खाली कंप्रेसर की सर्विस होती है। और वैसे एसी सर्विस जो हम कराते हैं वो नॉर्मल मैकेनिक लोग क्या करते हैं या कंपनी में भी क्या करते हैं, कंडेंसर साफ़ कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पाइपलाइन साफ़ कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कूलिंग कॉइल साफ़ कर देंगे, और इससे ज़्यादा क्या करेंगे उसका एरिया साफ़ कर देंगे, फ़िल्टर वगैरह नया डाल देंगे, कह देंगे जी गैस डाल के होगी सर्विस एसी की। भाई ये कौन करेगा, इसके अंदर भी तो साफ्ट घूमती है, वो भी तो चलेगी, तो एमरी बनाएगी, घिसावट आएगी, तो वो जो डस्ट वगैरह उसमें बनेगी क्या उससे अंदर नुकसान नहीं होएगा, उससे नुकसान होता है। तभी तो ये आप देख सकते हैं ये पुली सही घूम रही है, लेकिन ये साफ्ट नहीं घूमेगी, आप देख लेना। ये देखो साफ्ट रुकी हुई है, देख सकते हैं साफ्ट रुकी हुई है, ये बिल्कुल नहीं घूमेगी। ये वाली भी देख लो, ये पुली घूम रही है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर वाली पुली घूम रही है, ये नहीं घूमेगी, ये देखो बिल्कुल नहीं घूमेगी, ये घूमेगी नहीं, ये अंदर से जाम हो चुकी है। जाम किस कारण हुई है कि इसके अंदर कभी ऑयल पल्टी नहीं हुआ। ऑयल पल्टी होता है, थोड़ा सा ऑयल आता है, किसी को जानकारी है किसी को नहीं है, बस सर्विस कर देते हैं बाहर बाहर की, कंप्रेसर की सर्विस भूल जाते हैं, जिसके कारण ये जो है डैमेज होकर अंदर से जाम हो जाता है और फिर जेब पे बोझ पड़ता है कस्टमर की पे। ठीक है, तो ये मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ इस बारे में कि भाई ये भी सर्विस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये आपका जो है गाड़ी जब तक रहे तो एक ही कंप्रेसर से काम चलता रहे, बीच में चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। दिखाते हैं आगे, दिखाता हूँ आपको कि भाई ये बोल्ट हमने यूज़ कर लिया और इसके अंदर किस टाइप का ऑयल वगैरह निकलेगा, क्यों ये ख़राब हुआ, वो आपको जो है सही पता लग जाएगा। मैं थोड़ा सा ये प्लेट लेता हूँ, इसमें वो उल्टा कर देता हूँ, निकलेगा कुछ ना कुछ तो, और क्या निकलेगा वो आपको जो है दिख जाएगा। निकलने दो, थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ा बारीकी से निकलेगा, जो भी निकलेगा ऑयल निकलेगा, गंदा हो सकता बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से। मैंने खोला पहले नहीं था, लेकिन अब आपको खोल के मैंने दिखा दिया है कि भाई इसका कुछ ना कुछ तो निकलेगा अंदर, दिखाऊंगा आपको करीब से भी, क्योंकि जाम हुआ तो कोई ऐसे ही नहीं हुआ, ये आप देख सकते हो क्या है इसमें, गंदगी है, बहुत ही ज़्यादा गंदगी है इसके अंदर। ये गंदगी इसी चीज़ की है जिस कारण ये जाम हुआ है,
अंदर जो है बहुत सी चीज़ें कटी होंगी या चल चल के भी जो है ये पूरी एमरी बन चुकी है, आप देख सकते हो ये पूरी एमरी बन चुकी है और इसी के कारण बैरिंग वैरिंग टूटे हैं, अंदर से जो है ना साफ जाम हुई है। अब ये हमने ऑयल दिखाया इस वाले का और इस वाले को जो है मैं अंदर से खोल के और प्रॉपर बताऊंगा कि इसके अंदर सिस्टम होता क्या है, दिखाते हैं आगे आपको। ये आप देख सकते हैं ये एसी पूरा कंप्लीट एसी कंप्रेसर जो होता है उसके अंदर लगने वाले पार्ट हैं, देख सकते हैं आप। एक एक चीज़ को तो मैं ऐसे गिनवाने में थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैन मैन चीज़ें बता देता हूँ कि ये कंप्रेसर शाफ्ट है, ये कंप्रेसर शाफ्ट है, ये जो है पिस्टन है जो इसके अंदर वर्क करते हैं, ये स्लीव एरिया देख सकते हैं कंप्रेसर के अंदर जो पिस्टन जाते हैं उसका स्लीव एरिया है ये, और ये वो है जिसके अंदर जो मतलब कंप्रेसर की जो गैस है वो चलती है प्रेशर बनाने के लिए, हाई प्रेशर जो सिस्टम है यहीं से बनता है। ये इस प्लेट के साथ लगने वाले वाल्व है, अंदर जो है एक तरफ से जो है गैस चलती है, एक तरफ जो है कंप्रेसर का अंदर का सिस्टम है जो वो वर्क करता है। तो बाकी ये है जो मेन पुली है जो इंजन के साथ अटैच होती है और घूमती है, और भी देख सकते हैं इसके अंदर के कई पार्ट हैं, दिखाते हैं आपको। कंप्रेसर शाफ्ट के अंदर जो है सबसे पहले पिस्टन सेट करने हैं हमने, तो क्या करेंगे भाई ये कंप्रेसर ऑयल है ये, इस पर जो है थोड़ा सा लगा लेते हैं हम, ठीक है सॉरी ऐसे रखेंगे, और ये पिस्टन है इसका लगाने का जो तरीका है मैं बताता हूँ आपको। ये जो चीज़ देख रहे हो यहाँ पे डावल बैठती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, डावल कौन सी होती है ये वाली होती है आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पट वाला है, ये पट वाला एरिया यहाँ पे चलेगा, ये जो ढाल वाला है ये इसके अंदर बैठ जाएगा यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, और ऐसे ही ये वाली ये ऊपर की तरफ बैठेगी यहाँ पे देख सकते हैं, और दोनों के बीच में ये शाफ्ट लगेगी, मैं दिखा देता हूँ आपको लगा के, थोड़ा सा हल्का सा जो है समझदारी से काम लेना पड़ेगा क्योंकि गिर जाती है, और गिर गई तो फिर दिक्कत आ जाती है। इस तरफ से लगाता हूँ मैं, पहले ये ले लिया हमने यहाँ पे रखा, दूसरा यहाँ पे ये वाला रखा, और इसको आराम से बैठा देंगे डिज़ाइन करके, और ये देख सकते हो यहाँ पे पिस्टन आ चुका हमारा, ये यहाँ पे रोक सकते हैं इसको हम ऐसे करके, सारे पिस्टन हमने बैठाने हैं इसके अंदर ही, दिखाते हैं आगे देख सकते हैं। ये पिस्टन जो है हमने शाफ्ट के अंदर एडजस्ट कर दिए हैं, अब ये आपको जो है दाएं बाएं नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट इस लोकेशन पे डालने पड़ेंगे, ये आप देख सकते हैं स्लीव एरिया है, कंप्रेसर ऑयल लगा के ये डालते हैं, तो दिखाते हैं आपको आगे। आप देख सकते हैं ये पिस्टन जो है यहाँ पे एडजस्ट कर दिए हैं, ठीक है। थोड़ा ऑयल यहाँ पे हम हल्का हल्का लगा ही लेते हैं क्योंकि घुमा के देखना पड़ेगा एक दो बार, वैसे ये ख़राब है मैं आपको वैसे असेंबल करके बता रहा हूँ क्योंकि इसके पार्ट नए वगैरह तो मिलते नहीं है। ये आप देख सकते हैं साफट भी इसके अंदर घूम रही है, ये अटकती है थोड़ी सी क्योंकि दिक्कत है, और ये पिस्टन है इसमें असेंबल कर दिए हैं, आगे फिटिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं ये आगे वाली प्लेट है जहाँ पर ये पुली काम करती है, और ये इसमें पहले वायरिंग के लिए वाशर डलेगी यहाँ पे इस पोर्शन पे बैठेगी, थोड़ा ऑयल लगाते हैं इसमें, फिर ये बैरिंग है स्पीड बैरिंग है ये रोलर वाला देख सकते हैं, ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है ये देख सकते हैं आप, ये बैरिंग है। अब इस पे यहाँ पे ये इस पोर्शन पे चलता है बैरिंग, ये इसमें जो है हम बैठाते हैं अंदर, तो ये हमारा आएगा किस तरफ में, ये आगे वाला है यहाँ पे, अच्छा ये चीज़ आपको मैंने दिखाई कि भाई ये पिस्टन वाला एरिया है, ये हेड हो गया इसका, ये ब्लॉक सॉरी कंप्रेसर का ब्लॉक है, इसमें पिस्टन वाला एरिया है ये, और नीचे ये वाला जो है ये पूरा एरिया वो है जहाँ पे मतलब शाफ्ट चलती है पिस्टन को चलाने के लिए, ठीक है। और उसके अंदर एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि भाई ये आपको बोल्ट नज़र आ रहा है,
ये इसकी ये सर्विस बोल्ट है, यहाँ से ये ऑयल इसके अंदर ड्रेन होता है और फिर टॉपअप किया जाता है। ये भी टाइम टू टाइम करना ज़रूरी है। अगर इस चीज़ को हम नहीं देखते हैं, नहीं पता इस चीज़ के बारे में कि भाई इसके अंदर भी ऑयल होता है, जैसे इंजन के अंदर इंजन ऑयल चलता है तो इसके अंदर भी जो है कंप्रेसर ऑयल चलता है, वो डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसको अगर आप यूज़ नहीं करो, डालोगे नहीं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद ये अंदर से जाम हो जाता है कंप्रेसर, और यही चीज़ इसके अंदर भी हुई है। ये तो मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा था कि भाई इसके अंदर होता क्या है, ये कैसे असम्बल होता है। बाकी ये काम नहीं करेगा अभी मैं गाड़ी में लगाऊंगा तो, क्योंकि इसके अंदर पुर्जे नए वगैरह नहीं है, सब जो है इसके साथ के ओल्ड पुर्जे हैं, वो सिर्फ मैं असम्बल करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको बताई मैंने। और उसके बाद देखो ये है, ये हाई प्रेशर हेड है इसका जो है, यहाँ पे जो कूलिंग कॉयल से ठंडी हवा जो आती है, गैस सॉरी ठंडी गैस जो निकल के आती है वो यहाँ से एंटर करती है और इस दायरे के अंदर घूम घूम के ये आप देख सकते हो, ये वाल सिस्टम है, इस तरफ से आके निकल के और यहाँ से निकलती है, ये पिस्टन वाले एरिए पे आती है। और पिस्टन वाले एरिए पे आने के बाद में इसका सिस्टम कुछ इस तरह से बनता है कि यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर बना के, बिल्कुल टेम्परेचर हाई करके, और इस वाले पॉइंट से निकाल के बाहर कंडेंसर के अंदर भेजती है। कंडेंसर के अंदर जाके फिर वो आगे का प्रोसेस है, वो मैं बताऊँगा आपको बाद में। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ असेंबल करके। ये हेड है इसका और ये इसके वाल सिस्टम है, इस पर पूरी प्लेट के साथ है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसे बैठेगा, सॉरी ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। और अब ये वाला पूरा सिस्टम लगने वाला है यहाँ पे, और ये लगेगा कैसे, ये डावल है, सॉरी एक सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा एडजस्टमेंट इसकी बैठेगी डावल के साथ में, दिखा देता हूँ मैं आपको बैठा के, डावल से डावल मिलेगी, एक सेकंड। तो ये बैठ चुकी है, देख सकते हैं आप, ये कंप्लीट जो है बैठ चुकी है। अब इसके ऊपर जो है हम बोल्ट यूज़ करेंगे, इसके जितने भी बोल्ट हैं नीचे से लगाएंगे, आप देख सकते हैं ये स्टड है, ये स्टड नीचे से लगाएंगे इसको उल्टा करके, देख सकते हैं आप ये इसके स्टड है, ये सारे हम टाइट करेंगे कंप्लीट, दिखाते हैं आपको आगे। अब ये स्टड हमने टाइट कर दिए हैं सारे, तो ये कंप्लीट हमारा जो है कंप्रेसर असेंबल हो चुका है। थोड़ी सी कमी है, क्या कमी है कि भाई मैन पुली, ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एडजस्ट होने वाली है, ये मैन पुली यहाँ पे एडजस्ट होने वाली है, तो ये थोड़ा सा हल्की सी चोट वगैरह लगा के मैं बैठाता हूँ नीचे, ठीक है, ये इंजन बेल्ट के साथ चलेगी, बैठाता हूँ फिर आगे दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने इसको बैठा दिया है, और ये यहाँ पे लॉक एडजस्ट हो जाना है इसके, यहाँ पे ये रोक देगा इसको, मतलब बाहर निकलने नहीं देगा। और उसके बाद में फिर ये जो देख रहे हो आप, इसके ऊपर लगेगी प्लेट ये वाली, ये जो खांचे आपको दिख रहे हैं ये वाली इस साफट के साथ अटैच होके घूमती है, आप साफट के अंदर भी दांते देख सकते हैं। तो ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप इसके अंदर फंसेंगे साफट के अंदर, ये घूमेगी, और ये टूट चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ ये टूटी क्यों है, ये टूटी इसलिए है कि साफट जाम हो चुकी थी, और ये वाली प्लेट जो है इंजन बेल्ट के साथ घूमना कभी बंद नहीं होती जब तक ये बैरिंग ना टूट जाए। तो ये प्लेट घूमती रही, साफट जाम हो चुकी है, तो साफट जाम होने के बाद में ये जो है अंदर से टूट चुकी है, ये नक्के आप देख सकते हैं, ये वाले नक्के, ठीक है, ये तीनों नक्के होते हैं, ये टूट चुके हैं इसमें से। अब ये कारण था इसका कंप्रेसर का चेंज करने का, ये हमने चेंज कर दिया है कंप्रेसर, लेकिन कमी क्या थी, ऑयल इसके अंदर कभी भी उन्होंने जब भी एसी सर्विस करवाया, मतलब कंपनी में भी अगर गाड़ी गई है वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई सर्विस करते हैं एसी की, तो उन्होंने बाहर का कंडेंसर साफ़ कर दिया, एसी की जो गैस होती है वो निकाल के फ्रेश वो भी डाल दी, कूलिंग कॉयल भी साफ़ कर दी, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, मेन चीज़ ये होती है, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बताना चाहता हूँ आपको आगे से, इस चीज़ का बड़ा ही ख्याल रखा जाए कि कंप्रेसर जब गाड़ी के अंदर साथ लग के आता है और तब से लेके जब तक वो पूरा ख़राब ना हो जाए, कोई इसी चीज़ पे, कोई भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता कि इसके अंदर की भी सर्विस होती है। सर्विस का मतलब क्या है कि जो इसके अंदर साफ्ट वगैरह घूमती है, पिस्टन चलते हैं, क्या वो चल चल के क्या एमरी नहीं बनाते, घिसते नहीं है क्या, घिसते हैं तो टाइम कभी जैसे 3 साल में 4 साल में 5 साल में हद से हद, अगर गाड़ी कम चलती है तो 5 साल नहीं, ज़्यादा चलती है तो 1-2 साल के अंदर इस कंप्रेसर को बाहर निकालें और ये बोल्ट यहाँ से खुलवा के इसको उल्टा करा के पूरा इसके अंदर से जो कंप्रेसर ऑयल है वो
ड्रॉप ड्रॉप करके नीचे गिरेगा, पूरा बाहर निकाल दिया जाए और एक बार उसके अंदर जो है फिर से ऑयल इंजेक्शन से, प्रेशर से, किसी भी चीज़ से, ज़्यादा नहीं 50 ग्राम के आसपास ही आता है, इसमें ज़्यादा नहीं आता, वो डाल के फिर उसको फिर ड्रेन करे। तो ऐसे उसको जो है एक बार ड्रेन करके और दोबारा से फ्रेश ऑयल डाल के और तब इसके अंदर जो है गाड़ी के अंदर इसको लगवाया जाए और तब ये अंदर से जो है बिल्कुल जैसे इंजन ऑयल चेंज होने के बाद में क्रैंक शाफ्ट और बाकी के पुर्जे बिल्कुल सही चलते हैं, ऐसे इसके अंदर भी वो शाफ्ट होती है जो इन पिस्टनों को घुमा के और गैस को प्रॉपर जो है प्रेशर बना के आगे सप्लाई करती है। तो वो एरिया भी तो ऑयल के अंदर ही चलता है ना, सूखा थोड़ा ही चलेगा, गैस का एरिया तो ये वाला होता है। गैस में अगर मान लो थोड़ा ऑयल होता भी है तो वो तो जो है दौड़ने के काम आता है, लेकिन घूमने के जो काम आता है अंदर पुर्जों को जो घुमाता है वो तो इसके अंदर है ना, ये पार्टीशन है। आप देख सकते हैं कि इसकी भी सर्विस होनी ज़रूरी है, अगर नहीं कराएंगे तो रिजल्ट यही आएगा कि कंप्रेसर कभी आपको भी चेंज कराना पड़ सकता है।